खबर बांटने दो कलेक्टर मनीष सिंह से कोरोना के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं और बच्चों की पढ़ाई आदि को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। खबर बांट द्वारा पूछे गए सभी सवालों का मनीष सिंह ने सादगी से जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने इंदौर जन प्रतिनिधियों की तारीफ भी की। आइए सुनाते हैं कि इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने खबर बांट से चर्चा में क्या कहा। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर और इंदौर को कई दमके मिले हैं, लेकिन वह दमके केवल यह नहीं कि जब नगर निगम ने उसे 3 बार नंबर 1 लाया है, उस दमकों को लाने के लिए भी कई मेहनत करनी पड़ती है। कलेक्टर मनीष सिंह जी जब नगर निगम कमिश्नर थे, उस समय उन्होंने इंदौर को नंबर 1 लाने के अथक प्रयास किए थे और उसने हैट्रिक लगाई है। इंदौर को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, एजुकेशन हब कहा जाता है, इंदौर को देश भर में कई बड़े नामों से भी जाना जाता है। हमारे साथ मनीष सिंह जी मौजूद है। सर, सबसे पहले यही सवाल है कि इंदौर आने के बाद आपने क्या परिवर्तन देखे, क्योंकि वैश्विक महामारी अचानक से आ गई थी। आपके हिसाब से किस तरह से उसे कंट्रोल हुआ है और क्या परिवर्तन इंदौर में पहले और अब में आया है? देखिए, 28 मार्च की रात्रि में जब मैंने ज्वाइन किया था और 29 मार्च को जो 29 और 30 को पूरा असेसमेंट किया था, उसमें सम्माननीय जनप्रतिनिधियों से मिले थे, ओवरऑल मेडिकल टीम से मिले थे, अपने अधिकारियों से मिले थे, तो उस समय स्थिति बहुत अलग तरह की थी, क्योंकि एकदम से कोरोना का एक देख बोल सकते प्रकोप सा एकदम से पीक आया था उस समय। हर गली मोहल्लों से हर घंटे में कोई ना कोई या बॉडीज आ रही थी, जो जैसे चंदन नगर खजराना और रानीपुरा नयापुरा क्षेत्र से, या पैनिक में लोग निकल निकल के आ रहे थे अस्पताल में एडमिट होने के लिए। और सबसे बड़ी समस्या उस समय ये थी कि अस्पतालों में वो माइंडसेट नहीं था डॉक्टर्स का, पैरामेडिक का, लोअर स्टाफ का, कि इस संक्रमित बीमारी से कैसे निपटा जाए। तो वो बहुत बड़ा पैनिक था उस समय, और सबसे बड़ा उस समय जो इशू था हॉस्पिटल मैनेजमेंट का। बाकी फील्ड में बाद में जो हम लोगों ने सर्वे कराया या फीवर क्लिनिक स्थापित किया, हम लोगों ने मेडिकल स्टोर्स को और अस्पतालों को अपने नेटवर्क में शामिल किया ऐप के माध्यम से, वो सब बाद में हो। सबसे पहले प्रॉब्लम जो आई थी वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट की आई थी, कैसे बीमारों का इलाज किया जाए। उस समय की स्थिति ये थी। अगर आज की स्थिति कंपेयर करते हैं तो आज उस स्थिति में हम लोग अर्ली डिटेक्शन कर पा रहे हैं। हॉस्पिटल्स हमारे काफ़ी कैपेसिटी, हम लोगों ने बेड्स की बढ़ाई है, आईसीयूज़ की बढ़ाई है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आज 28 प्राइवेट हॉस्पिटल्स आइसोलेशन वार्ड्स बना करके कोरोना के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और अपने अन्य दैनिक जो उनके अन्य मरीज रहते हैं उसका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। इस तरह का एक माइंडसेट और इस तरह की तैयारी निजी अस्पतालों में आ जाए, तो तब से आज में कॉन्फिडेंस बिल्टअप आया है मेडिकल टीम्स में, अस्पतालों में। हम लोगों की जो टीम है जो वर्क कर रही है वो घबरा रही थी बहुत ज़्यादा उस समय, उनका डर खत्म हुआ है, और प्रिकॉशंस कैसे रखने हैं उसके बारे में अवेयरनेस आई है, और जनता में भी अवेयरनेस आई है, दोनों चीज़ें हुई हैं सभी फ्रंट्स में। तब से लेकर आज तक में जो बेसिक डिफरेंस अगर आज है, तो जनता का कॉन्फिडेंस मेडिकल सिस्टम पे कि अगर हम अर्ली डिटेक्शन में करा लेते हैं तो हम ठीक हो जाएंगे, ये भी भय ख़त्म हुआ है कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये भी भय ख़त्म हुआ है कि हम ठीक हो गए, अधिकांश लोग आ रहे हैं इस समय बाहर। तो तब से लेकर अब तक में काफ़ी फ़र्क है जो देखने को मिल रहा है। सर, कोरोना योद्धा की बात की जाए तो शायद तक पुलिस अधिकारी और डॉक्टरों को कोरोना योद्धा, लेकिन आपने जो टीम सिलेक्ट करी थी, नगर निगम एक ऐसा छुपा हुआ उसे माना जाए कि एक टुकड़ी थी जो कि हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले को पहचानती थी, एक वह आपने जो टीम निकाल के लाई थी इस वैश्विक महामारी में, क्योंकि वहाँ के जो अधिकारी वह हर गली मोहल्ले को जानते थे, हर जगह जानते थे, तो उस टीम को गठन करना, क्योंकि आप पहले नगर निगम कमिश्नर थे, तो एक अच्छी पहल थी और अच्छी सोच थी। आज तक नगर निगम की तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि इतना बड़ा फोर्स हमारे पास है। देखिए, अप्रैल में नगर निगम इंदौर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट था। जैसे पुलिस जवान गली मोहल्लों में जा रहे थे पीपी किट पहनिए, वैसे नगर निगम वाले भी सफाई में भी लगे हुए थे। नगर निगम के लोग जो सर्वे शुरू कराया था उसमें भी सहयोग कर रहे थे सर्वे टीम को, सर्वे टीम से बहुत डर रही थी उस समय जाने में। फिर सर्वे हो गया, चाहे आईटी नेबल्ड जो स्मार्ट सिटी के जो सिस्टम्स थे वो हो गए, चाहे कंट्रोल रूम्स हो गए उनके, इन सब का उपयोग हम लोगों ने उस समय टेम्परेली सफाई से हटा के पूरा का पूरा इसमें कंट्रोल रूम और आईसीटी मॉनिटरिंग में नगर निगम सिस्टम्स यूज़ किए थे अप्रैल में, और जो अभी भी चल रहा है पूरा। और साथ साथ एक ऐसे अधिकारियों को भी गवर्नमेंट ने यहाँ पदस्थ कर दिया था उस समय, जो इंदौर में रहे हैं पहले और जो इंदौर को समझते हैं, जिनको इंदौर की ज्योग्राफी का आइडिया है, यहाँ के लोगों के बारे में आइडिया है, गली मोहल्लों का आइडिया है, उससे भी बहुत सहयोग मिला है। जैसे 11 सब डिवीज़न से बांट दिया था पूरे सिटी को, हर सब डिवीज़न में एक CSP थे, एक SDM थे। जब हम आए थे तो केवल 5 SDM वर्क कर रहे थे, फिर 6 अतिरिक्त अधिकारी आए तो 11 SDM हो गए, 5 एडिशनल SPs थे तो 5 ADM साथ में होने चाहिए थे।
उस समय भी शायद 2 या 3 केवल थे, तो उसमें भी अतिरिक्त अधिकारी मिले, तो उसमें हम लोगों ने ADM सफिशिएंट कर लिए। तो जो एक हर थाना क्षेत्र में जो मॉनिटरिंग होनी थी, कंट्रोलिंग होनी थी पेशेंट्स की, पेशेंट्स के मूवमेंट की, सर्वे की, सैम्पलिंग की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, वो बड़ा सिस्टमेटाइज हो गया। और साथ साथ जो अतिरिक्त डॉक्टर्स मिले थे, बाद में कुछ हम लोगों ने हायर भी किए गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद, उनकी भी जो टीम्स थाने लेवल में बनी, उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो पाई SDMs के माध्यम से, नगर निगम के जोनल ऑफिसर्स के माध्यम से। तो एक बड़ा एक वृहद ऑपरेशन था, जिसमें कि सरकारी तंत्र की बात करें जो मैंने बताया, पर इसके साथ साथ उससे बड़ा तंत्र जो लगा हुआ था वो जनप्रतिनिधियों का लगा हुआ था। उसमें सेवा भारती भी लगी हुई थी, सभी विधायकों के, सभी पार्षदों की टीम्स लगी हुई थी, जो फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, जो सर्वे में हेल्प कर रही थी। तो बड़ा संयुक्त अभियान था वो, जिसमें कि अगर फील्ड में जनप्रतिनिधियों का तंत्र नहीं लगा होता, सेवा भारती हो गई, विधायकगणों के टीमें हो गई, स्वयं विधायक लगे हुए थे, उनके पार्षद लगे हुए थे, पार्षदों के लोग लगे हुए थे सर्वे टीम से सही सपोर्ट में, सैम्पलिंग के सपोर्ट में, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के सपोर्ट में, होम क्वारंटाइन करना है, इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन करना है, उसमें लोगों को मोटिवेट करने के सेंस में, तो सबसे कंबाइंड एफर्ट के कारण पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स का और सरकारी तंत्र का कंबाइंड एफर्ट था, जो अप्रैल में जो सबसे कठिन दिन थे इंदौर के, उससे बाहर अपन निकल पाए। सर, सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपको कलेक्टर होने के बाद कहीं ना कहीं सिक्के के दो पहलू हमेशा दिखाई दिए होंगे। जनप्रतिनिधि के पास बात कर ली जाए, व्यापारियों की बात कर ली जाए, हर वर्ग में दो पहलू होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी सामना बीच में कई बार इस तरह से मीडिया में हुआ, तो किस तरह से उसको हैंडल करा, क्योंकि सभी को संतुष्ट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। देखिए, जब आप डील करते हैं ये सब चीज़ें, तो कुछ निर्णय पॉपुलर निर्णय होते हैं, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो हार्ड रहते हैं निर्णय। शहर के हित में अगर हार्ड निर्णय आवश्यक था तो वो भी लिए गए हैं, और बट नेचुरल है, आम जनता को प्रतिनिधित्व करते हैं जनप्रतिनिधि, उन पर दबाव रहता है, पर यहाँ के जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे हैं, और जब हम लोग क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में बैठा करते थे, चर्चा होती थी हम लोगों की, तो सब समझते थे, वो भी दोनों पहलू समझने में बड़ा आसानी आती थी, समझाने में सभी लोगों को, समझते थे कि अगर जनता की ये मांग है, किंतु अगर हम लोग दूसरा पहलू बताते थे कि हॉस्पिटल कैपेसिटी कितनी है हमारी, जैसे आज हम लोगों ने 1350 बेड्स बढ़ा लिए हैं पिछले 2-3 महीने के अंतराल में, जो समय मिला हम लोगों को, प्राइवेट सेक्टर में भी हॉस्पिटल्स को मोटिवेट करके वहाँ भी अतिरिक्त बेड ले लिए हैं हम लोगों ने, पर उस समय ऐसी परिस्थिति नहीं थी अप्रैल और मई में या आगे उसके, तो ये बैलेंसिंग रिक्वायर्ड रहती है। जनप्रतिनिधियों के बगैर कोई काम किया जाना संभव नहीं है, तो जनप्रतिनिधियों को तो साथ में रखना ही पड़ता है, क्योंकि जनता को वही संभाल सकते हैं, अधिकारी कर्मचारी नहीं संभाल सकते हैं उनको, तो वो बैलेंसिंग रिक्वायर्ड थी। क्योंकि अगर देखा जाए, इस कोरोना मैनेजमेंट जो अभी तक समझ में आया है, इसमें आपको 3 पहलू ध्यान रखना पड़ता है। एक तो इकोनॉमी चलती रहे, दूसरा हॉस्पिटल्स पे ऐसा प्रेशर ना पड़े, इतने पेशेंट्स निकल के ना आए कि हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी खत्म हो जाए, और तीसरा शहर इतना खुला हुआ रहे कि हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होती रहे। तो हर्ड इम्यूनिटी, इकोनॉमी और तीसरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेसिंग ना हो, ये तीनों को बैलेंस करना जरूरी है। अगर आप शहर पूरा बंद कर देते हैं, जो मजबूरी थी अप्रैल मई में, क्योंकि उस समय स्थिति फरवरी और मार्च में जो स्प्रेड हुआ था उसमें ह्यूज स्प्रेड था उस समय, और स्प्रेड इस प्रकार का था कि लोग घरों में कई दिनों से पड़े हुए थे, तो वो ब्रेक करने के लिए, चेन ब्रेक करने के लिए 14 दिन 21 दिन की वो जरूरी था 1-2 महीने का जो उस समय किया था, किंतु लॉकडाउन के बड़े निगेटिव प्रभाव भी रहते हैं, और इसीलिए हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होना मिक्सिंग होनी चाहिए, वायरस एक्सपोजर होना चाहिए लोगों को लिमिटेड वे में, ताकि जो 90% ऐसे लोग हैं जिनमें वायरस का कोई प्रभाव नहीं आना है, और 14 डेज में उनका वायरस आके निकल जाए पता भी नहीं चलेगा, वो हर्ड इम्यूनिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब उनका वायरस आके निकल जाता है, तो फिर वो कैरियर ग्रुप में काम नहीं करते हैं, और वायरस उस बॉडी को उपयोग नहीं कर सकता है कैरियर ग्रुप में, तो हर्ड इम्यूनिटी भी क्रिएट होना बहुत जरूरी है साथ साथ सिटी की। तो तीनों को बैलेंस करते हुए ही शहर को चलाए जाने का प्रयास है। व्यापारियों का प्रेशर रहता है, रोजी रोटी जो मैंने बोली आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को देखते हुए जनप्रतिनिधियों ने, हम लोगों ने इस बार अभी दुकानें खोली हुई हैं, अभी प्रयास यही रहेगा हम लोगों का कि दोबारा बंद ना करना पड़े, कोई भी दुकान बंद ना हो, कोई भी शहर लॉकडाउन में न जाए, यही प्रयास है हम लोगों का, और इकोनॉमी चलती रहे, और जो भी केसेस अगर आते हैं तो हम लोगों ने इतनी व्यवस्था की हुई है अस्पतालों में कि हम उस पर उनका ट्रीटमेंट कराते रहें, जो जिम्मेदारी है बेसिक। थोड़ा प्रेशर ICU में भी है हम लोगों को, ऑक्सीजन बेड्स तो सफिशेंट है हम लोगों के पास में, ICU में थोड़ा प्रेशर है अभी, उसको भी हैंडल कर रहे हैं हम लोग। सर, शायद तक जो आंकड़े आ रहे थे, अगर जनसंख्या की बात मानी जाए, तो जो हमारे निर्वाचन से ज़्यादा आंकड़े हैं, 50 लाख के आसपास हमारी पॉपुलेशन आज हो गई होंगी गिनती में, लेकिन जो हमारे मौत के आंकड़े बिल्कुल बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी जनता का जो डर है, उस डर को दूर करने के लिए भी कुछ करना होगा, क्योंकि आंकड़े देख के आदमी घबराते, लेकिन रेशो तो सर बिल्कुल 0.001 भी नहीं है शायद तक। देखिए, अगर आप देखेंगे
कोरोना से जो डेथ के आंकड़े हैं 311 के आए हैं अभी, इसमें से बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कोरोना नहीं भी होता, 70% केसेस कम से कम डॉक्टर्स जो बता रहे हैं वो कोमोर्बिडिटी इस तरह की थी, एज ग्रुप इस प्रकार का था कि कोरोना होता या नहीं होता 70 से 80% लोगों का बहुत कठिन परिस्थितियाँ थी जिसमें गए हैं वो। ऐसा नहीं बोल सकते हैं, आपने बिल्कुल सही बोला कि ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कोरोना से डेथ हुई है वो, क्योंकि वो नॉर्मल आज हम लोगों ने जब सर्वे कराया था, जैसा आपने बोला कि जनसंख्या के बारे में 40,12,000 लोगों का एक एक व्यक्ति का हम लोगों के पास में सर्वे में आंकड़ा है कि उनको क्या क्या बीमारियां हैं। उनको 2-5% हमारे सर्वे टीम से मिस भी हुए होंगे तो 45 लाख हो जाते हैं। फिर अगर आप अभी फ्लोटिंग पॉपुलेशन नहीं है, बच्चे नहीं हैं, बाहर से आने वाले बिजनेस के संबंध में लोग फ्लोटिंग पॉपुलेशन नहीं आती है, तो अगर सब जोड़ लें आप तो इस ज़िले की शहर की आबादी 50 लाख से ऊपर जाती है। 40,12,000 तो रिकॉर्ड हम लोग का डला हुआ है इस समय। तो इस तरह के आबादी में देखा जाए तो डेथ का रेशियो बहुत कम है जैसा आपने बोला, और शुरू शुरू में जरूर एकदम से डॉक्टर्स को समझ में नहीं आया था कैसे क्या करना है। कई मेडिसिन हैं, रेमडेसिविर अभी आ गई है, एक मेडिसिन और आ गई है जो वायरल लोड कम करती है, टॉसी एक मेडिसिन है जिसको कि इंदौर में बहुत एग्रेसिवली यूज़ किया हम लोगों ने। शुरू शुरू में टॉसी आई थी तो मेडिकल फील्ड्स में अलग अलग वो था, उसके बारे में ओपिनियन थी, कुछ लोग करना चाहते थे कुछ लोग नहीं करना चाहते थे, पर हम लोगों ने जब करा उसको अरबिंदो में उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए, तो उसको एग्रेसिवली हम लोगों ने यूज़ किया। शॉर्टेज हो गई बीच में, हम लोगों ने बेंगलोर से बुला करके उसको बुकिंग करके रखी है मेडिसिन यहाँ पर, और इंदौर के रिजल्ट के कारण पूरे देश में पॉपुलर हुई दवाई वो, उसके कारण बहुत जाने बची। टॉसी जो हम लोगों ने दिया, साइटोस्टॉम जो आता है उसमें साइटोस्टॉम आने के पहले उस दौरान अगर टॉसी दे दी जाए तो बॉडी के अंदर जो वो साइटोस्टॉम जो डैमेज करता है ऑर्गन्स को वो नियंत्रित कर देती है वो, तो उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ डेथ में। और आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं मानूंगा कि जो और ज़्यादा स्थिति ख़राब हो सकती थी, बहुत सारी चीज़ों ने उस समय जो जनप्रतिनिधियों ने मेहनत की, जो डॉक्टर फ्रिटेंडी ने मेहनत की, जो सरकारी तंत्र ने मेहनत की, चाहे नगर निगम हो, पुलिस हो, रेवेन्यू की टीम्स हो, हम लोगों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों, आशा कार्यकर्ता हों, टीचर्स हों, पटवारी हों, तो सब ने मिलकर जो काम किया, इससे मेरा तो यही मानना है कि बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रित किया गया है इसमें डेथ के अगर पॉइंट से लिया जाए। सर, महामारी की बात तो ठीक है, लेकिन आम जनता के मन में एक सवाल है कि मनीष सिंह सोते कम है, इसके लिए क्या करेंगे, सो नहीं पाते वो? देखिए, अप्रैल में स्थिति ख़राब थी, अप्रैल में तो रात रात भर भी फ़ोन आते थे, रात का हर फोन किसी मरीज को लेकर रहता था, तो उसमें ज़रूर नींद बहुत कम होती थी। और पर 15 मई के बाद से तो सोना शुरू कर दिया था हम लोगों ने, हमने टीम को भी इनफैक्ट अप्रैल में भी बोला था कि कम से कम 6 घंटे की नींद सभी लोग ले लिया करें। कई बार ऐसा होता था कि शायद 15 दिन हुआ होगा कि 5-6 घंटे सो पाए होंगे, कई बार नहीं सो पाए, और क्योंकि जो भी लोग हज़ारों लोग लगे हुए थे उनके बॉडी के रेजिस्टेंस के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी था कि रेस्ट मिले उनको, तो करा था, सभी ने किया था उस समय। अप्रैल ज़रूर ऐसा था कि जब सो बाकी नहीं सो पाते थे उस समय, क्योंकि उस समय हर फ़ोन पे एक मरीज़ था और बड़ा कठिन वक्त था इस शहर के लिए वो। मई 15 मई के बाद थोड़ा चीज़ें थोड़ा कम होना शुरू हुई थी। सर, इंदौर के आसपास, इंदौर के पास अस्पताल है अपना जो खुड़ेल थाना क्षेत्र है, वहाँ पे वैक्सीन के लिए भी शायद तक उन्होंने परमिशन मांगी थी, तो ऐसा कुछ है आपके नॉलेज में कि वह भी वैक्सीन पे कुछ कर रहे कि उसका वैक्सीन बनाने के लिए? वैक्सीन को लेके इंदौर किसी अस्पताल में काम चल रहा है ऐसी जानकारी मुझे नहीं जी। और किसी उसकी सब एक्टिविटी पर कोई वर्क चल रहा हो तो हो सकता है कोई चल रहा हो, क्योंकि वैक्सीन में बहुत सारी सब एक्टिविटीज़ भी चलती हैं, उस तरह की कोई चीज़ चल रही हो तो उसका मेरे संज्ञान में नहीं है। सर, क्या आखिरी सवाल रहेगा, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि शायद तक जो वैश्विक महामारी है बहुत लंबे समय तक न रहे हमारे देश में, वैक्सीन आने के बाद हम कंट्रोल कर सकते हैं, फिर भी आम जनता अचानक से निकल के आई, कई त्यौहार अब लगातार राखी के बाद त्यौहार रहेंगे, आम जनता से कुछ एक मैसेज कि सिर्फ इतना सा कर लीजिए कि शासन प्रशासन पैनिक ना हो, क्योंकि सीधा ब्लेम केवल प्रशासन पर ही डलता है और सीधे टारगेट फिर मुख्यमंत्री जी को किया जाता है कभी कभी कि मुख्यमंत्री, लेकिन हमारी जनता से सिर्फ इतना आग्रह कि वह कुछ नियमों का पालन कर ले तो शायद तक हम हर चीज़ से लड़ सकते हैं। देखिए, अभी मैं जनता को बताना चाहूँगा कि इंदौर में कई मोहल्ले हैं जो पहले क्लस्टर्स के रूप में थे, जहाँ बहुत कोरोना केसेज आ रहे थे, ऐसे लगभग 1.5 लाख हाउस होल्ड्स, लगभग मान के लिए कि 7-1 लाख लोग की जो ऐसे हैं वहाँ से केसेस आने बंद हो गए हैं बिल्कुल, किंतु जो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और एफ्लुएंट सोसाइटीज़ जो हैं, वो तो मिडिल क्लास कॉलोनीज से लेकर एफ्लुएंट कॉलोनीज तक जो बहुत ज़्यादा संख्या में इंदौर में, वहाँ से इस समय केसेज आ रहे हैं, इसलिए उन लोगों को बहुत सतर्क होकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो जो अब फैल रहा है वो फैल रहा है पर्सन टू पर्सन,
कि आप दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, पांच लोग बैठ के बात कर रहे हैं, आपने मास्क नीचे कर दिया, आप दुकान में गए, दुकानदार आपसे मास्क नीचे करके बात कर रहे हो, आपने मास्क नीचे बात कर ली, वही वक्त है जब मास्क लगाना है आपको। अगर 2 मीटर से कम डिस्टेंस रहा और उसका फ्लो, उसके उसके स्वैब का फ्लो अगर आपके तक पहुंच गया आँखों में, नाक में, मुंह में, इमीडिएट अगर वो इन्फेक्टेड है तो आपको इन्फेक्शन आ जाएगा। हो सकता है कि उससे कुछ नहीं हो कोरोना के इन्फेक्शन से, वो कैरियर हो केवल और आपको तकलीफ दे जाए वो। तो बेसिक चीज़ है डिस्टेंस रखते हुए मास्क का उपयोग सही करना चाहिए। मास्क का उपयोग कई लोग गलत करते हैं, जब बात करते हैं तो उतार लेते हैं मास्क, वो सबसे खतरनाक है। और जिन्होंने ही गलती की है उनको तकलीफ हुई है, और एक ही तकलीफ, एक ही गलती जो है बड़ी लंबी तकलीफ दे जाती है। फिर वो आप इन्फेक्ट हो जाएंगे, फिर आपके फैमिली मेम्बर्स इन्फेक्ट हो जाएंगे, आपके रिलेटिव इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो मैं जनता से ये अपील करूँगा कि शहर खुला है, हम लोगों का प्रयास ये है रहेगा कि शहर बंद ना हो और सब हमारे व्यापारी भाई भी कार्य करें, किंतु अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आप व्यापार में, कार्य क्षेत्र में, दैनंदिन लाइफ में, मार्केट जाते समय आप कोई सरफे दवाई की दुकान में जा रहे हैं, हमें दवाई खरीदी है तो इमीडिएटली सैनिटाइजर साथ में रखिए, और दवाई मान के चलिए दवाई में कोई वायरस लगा होगा, दवाई को सैनिटाइज कर लीजिए आप, सब्जी फल जो भी सामान बाहर से आ रहा है घर में उसको सैनिटाइज कर लीजिए, क्योंकि जब वैक्सीन आएगी भी इसकी, उसके बाद भी वैक्सीनेट करने में ह्यूज पॉपुलेशन को 6 महीने से 8 महीने 10 साल भर का समय लगेगा। तो प्रिकॉशंस सभी साल भर रखने पड़ेंगे सभी को इससे बचने के लिए। तो मास्क का उपयोग बाहर की सामग्री कोई आती है उसको सैनिटाइज कर लें प्रॉपरली, डिस्टेंसिंग थोड़ा रखें, मास्क उतार के आपके सामने कोई बोले ना आपको, आप भी मास्क लगा के रखें, वो भी मास्क लगा के रखें। ये बेसिक चीज़ें हैं जो जनता को समझनी है, और इसमें काफ़ी लोग पालन भी कर रहे हैं, कुछ लोग जरूर लापरवाही करते हैं, जो लापरवाही करते हैं वो तकलीफ में आते हैं। सर सिर्फ एक आखिरी सवाल रहेगा, जो छोटे स्कूली बच्चों को लेकर लगातार आपके पास लगातार फ़ोन भी आते होंगे, एक अभी भी असमंजस बना हुआ है कि 31 अगस्त तक तो अभी सीएम महोदय ने हमारे स्कूल बंद होने के आदेश दिए हैं, लेकिन उसके बाद केवल जो छोटे बच्चे हैं वह किस तरह से अपने एजुकेशन के लिए करें, या माँ बाप के मन में अभी भी असमंजस है, कई लोग कोर्ट की शरण में गए हैं, तो एक कि इतना बड़ा क्षेत्र है, कई स्कूल, सैकड़ों स्कूल है, आपके पास लगातार क्वेरी आती होंगी उन बच्चों के लिए, सर कैसे उनके भविष्य के लिए भी ध्यान रखा जाए और माँ बाप की भी सेफ्टी रहे और बच्चों की भी सेफ्टी रहे। देखिए स्कूल के लेके कॉलेज को लेके, कॉलेज में बच्चे रहते हैं जो पढ़ते हैं, इनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर के केंद्र सरकार भी बहुत संजीदा है और राज्य सरकार भी है। किसी भी स्थिति में जो ओरिएंटेशन मैं देख रहा हूँ, किसी भी स्थिति में इन बच्चों के स्वास्थ्य को भी विपरीत प्रभाव ना पड़े, सरकार उस हिसाब से निर्णय लेगी। क्योंकि अभी सभी जगह देश में देख रहे हैं आप केसेस बढ़ रहे हैं, अभी एक समय आएगा जब भी केसेस बढ़ना रुक जाएंगे और नीचे की तरफ आना शुरू होंगे, वो उस स्थिति का इंतजार है जब नीचे आना शुरू हो और नीचे आके कंट्रोलिंग शुरू हो, हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो उसमें। मेरे ख्याल से अभी 31 अगस्त तक केंद्र सरकार ने मना किया है स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और कोचिंग इंस्टीट्यूशन, मेरे ख्याल से इसके बाद स्टेटस देख के ही निर्णय ले पाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ये पूरा डिपेंड करेगा कि कोरोना का स्थिति किस प्रकार से अब कंट्रोल हो रही है या हर्ड इम्यूनिटी तरफ जा रही है, क्योंकि ये तो वायरस है, ये तो हर गली मोहल्ले में जाएगा ये, तो वो जब डाउनफॉल शुरू होगा, डाउनफॉल किस स्पीड से होता है उस प्रकार से निर्णय लिया जाएगा इसमें। और मेनली हेल्थ के लिए हिसाब से ही बच्चों को देखा जाएगा, 6-8 महीने का अगर पढ़ाई नहीं भी करेंगे बच्चे, वैसे हम लोगों ने यहाँ पर भी सारी स्कूल की जो स्टेशनरी की जो खजूरी सड़क बाज़ार है, हमने शुरू में सबसे पहले खोली थी उसको, इसीलिए खोली थी जो पेरेंट्स छोटे बच्चों को या बड़े बच्चे, कुछ किताबें पूरे मालवा एरिया में जाता है यहाँ से, जो घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं बच्चों को, वो उनकी पढ़ाई चलती रहे। बाकी मेन फोकस बच्चों को लेके तो हेल्थ पे ज़्यादा रहेगा, कि जब ये कोरोना सुरक्षित स्टेज में आ जाए, कि बच्चे हमारे जब घर से निकलें बाहर तो उनको किसी प्रकार का खतरा ना रहे, पेरेंट्स भी सिक्योर फील करें बच्चों को भेजने में स्कूल में, तब उस जब निश्चित निर्मित होगी तभी बच्चों का स्कूल मेरे ख्याल से खुल पाएगा। यह थे इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह, और उन्होंने खबरबाण न्यूज़ चैनल से अपनी बातें साझा करी और जनता को यह भी बताया कि इस महामारी को हराने के लिए हमें क्या करना होगा। कैमरामैन अंकित शाह के साथ हेमंत नागले, खबरबाण इंदौर।